एस्टैब्लिशमेंट को कभी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को आईन के ताबे होना चाहिए। न्यूट्रलिटी का लफ्ज आईन में नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक को लाके उसको बिठा के उसको पूरे कौम पे मुसल्लत करके, एक जोकर को लाके उसको हर किस्म का सपोर्ट दे के उसके बदनाम होके जब वो रिजीम चेंज होता है तो आप पीछे बैठ के कहते हैं कि हम न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं, आप आईन के ताबे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रेट होना चाहिए कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। ये बिल्कुल ना हम मानने को तैयार है ना हम मानेंगे। हम जितना हो सके हम एहतजाज करेंगे कि ये दो सूबों में पहले इलेक्शन हो और फिर दो बाकी सूबों में और विफाक में बाद में इलेक्शन हो। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बहुत गलत स्टेप हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस हुए हैं, ये नहीं कि ये पहले नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में यहाँ एक जो मशीनरी है, वो मशीनरी जो पाकिस्तान को चलाती है, उसको उठ के बर वक्त ये फैसला करना होगा कि इलेक्शंस अपने वक्त पे हो। उससे पहले IMF और जो भी माशी प्रॉब्लम्स है हमें 100% उसको देखना चाहिए, क्योंकि आवाम ख़त्म हो रही है। आवाम को महंगाई ने आवाम को सफोकेट कर रहे हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं है ना उस हिस्से में, वो बंटवारे में हम घुसे हैं। हम हाँ इस अमल में इन सब के साथ थे कि इमरान खान को गिराना था, उसमें हमारा एक वोट था वो हमने दिया और हम इनके साथ हैं। आज भी हम शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल उन पार्टियों से मजबूत खड़े होंगे जिन्होंने वजारते लिए। हमने कोई लालच नहीं ली, हम इत्तेहादी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब हम पे सबसे ज़्यादा एतमाद ये कर सकते हैं कि हमने इत्तेहाद में कभी पीठ पे लात नहीं मारी। हम इमरान को अदम एतमाद के ज़रिए, एक आईनी कदम था उसके ज़रिए, इसको उस कुर्सी से ना गिराते जो कुर्सी इसको तोहफे में दी गई थी। तो इनका तो प्लान ये था कि इसने बैठ के जनरल फैज को चीफ लाना था, फिर जनरल फैज ने इसको दो तिहाई अक्सरियत देनी थी, फिर उस दो तिहाई अक्सरियत के नतीजे में इसको फिर पूरा ये निज़ाम बदलना था, इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जाना था, और फिर एक दफ़ा इसने 5 साल वज़ीर आज़म के गुजारने थे और उसको फिर फैज साहब को फिर एक्सटेंशन मिलता और फिर ये बतौर सदर पाकिस्तान का पहली दफ़ा सदर के निज़ाम में आता। तो वो प्लान अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में हम अगर जमहूरी लोग देखें तो हमें ये कड़वी गोली, मैं कह रहा हूँ, खानी पड़ी। इसको पुख्तनख्वा को बाकायदा इमरान के किचन के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। पुख्तनख्वा देखें इधर जो हमारे फिर कर्जा आ गया 100 अरब से वो 900 अरब पे पहुंच गया। इधर सिर्फ एक BRT का प्रोजेक्ट आया, BRT के अलावा हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा, ना कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई बड़ा रोड, कुछ भी नहीं देखा। और हमारा कर्जा जो है वो 600 अरब बढ़ गया। ये किस तरह बढ़ा है? एक टेंशन है वर्कर्स में, है आम पब्लिक में, है। और मैं ये कहता हूँ कि जो आप बार बार कहना चाह रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम इस इतिहाद से अलग हो जाएं। इस्टैब्लिशमेंट को कभी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इस्टैब्लिशमेंट को आईन के ताबे होना चाहिए। न्यूट्रलिटी का लफ्ज़ आईन में नहीं है। मैं वाज़े कर दूँ, न्यूट्रलिटी का लफ्ज़ आईन में नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक को लाके उसको बिठा के उसको पूरे कौम पे मुसल्लत करके, एक जोकर को लाके उसको हर किस्म का सपोर्ट देके उसके बदनाम होके जब वो रिजीम चेंज होता है तो आप पीछे बैठ के कहते हैं कि हम न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं, आप आईन के ताबे हैं और आईन जो कहेगा उसको आपको होना चाहिए। क्या आईन के ताबे हैं सर? मुझे तो नहीं लगता। इमरान अली खान का एक अपना नजरिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से आता चला आ रहा है, जिसमें सबसे बुनियाद तो अदम तशद्दुद है, अमन है, कि हमारे पूरे मुल्क में बिलखसूस पुख्तनख्वा में हमें अपनी अदम तशद्दुद की सोच का प्रचार बहुत लाजिम है। इस वक्त जो हालात आ रहे हैं, इन हालात का सामना आपके लिए सिर्फ इमरान अली खान कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जितने आपने बोले इनमें कोई नहीं कर सकता। और ये हम ये नहीं है कि हमने कोई ताकत नहीं, बाय ब्लड है। लास्ट हुकूमत चलाना फिर हुकूमत का काम है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत ना चले। सुप्रीम कोर्ट जो अपने इनके केसेस हैं, जो साला साल लोग हैं टिल डेथ के, उसमें सजा में मर जाते हैं
उसके बाद उनको वो जुर्म से माफ होता है या पता नहीं क्या हो जाता है, वो पता चलता है भाई बंदे को तो लटकाया गया है, तो कम से कम। और इसी तरह ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह लाखों के तहत दीवाने के केसेस, दादा केस करते हैं पोते के वक्त में कोई केस का फैसला होता है। ये प्लान होके आया है वापस, इसके फैसिलिटेटर्स है। इमरान खान इसका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है, आरिफ अलवी इसका फैसिलिटेटर है, महमूद खान इसका फैसिलिटेटर है, फैज इसका फैसिलिटेटर है। वो लोग बत्तों देते रहे 5 साल, ये तो न्यूज मैंने ब्रेक किया है, हमारा तो सरकारी पैसा बत्तों की शक्ल में गया, अवाम का पैसा सरकारी जेबों से भी नहीं गया।